सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। पलामू जिले के तरहसी प्रखंड में टरिया पंचायत अंतर्गत भालोगाड़ी में पंचायत के मुखिया के द्वारा बेवजह सरकार के पैसों का बंदरबांट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भालोगाड़ी में बना 15वें बीच से दो पुलिया का निर्माण किया गया, जो कि जिस जगह पुलिया का निर्माण कराया गया है उस जगह बरसात के दिनों में कमर भर से ज्यादा पानी हो जाता है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया और ठेकेदार पर कई संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ बड़ा पुल की आवश्यकता थी, छोटे पुलिया को बहाकर बरसात का पानी कहीं ले जा सकता है। आगे कहा कि इस पंचायत में केवल भ्रष्टाचार में कुछ लोग शामिल है, जो कि पंचायत में विकास नहीं विनाश का कार्य कर रहे हैं। यह बातें कहना है टरिया पंचायत के भालोगाड़ी के ग्रामीणों का। ग्रामीणों ने आगे कहा कि यहाँ बड़ी पुल की आवश्यकता थी, लेकिन कम खर्च कर वे 15वें बीत का पैसा निकासी कर बंदरबांट कर लिया जा रहा है और काम भी पूर्ण तरीके से सही नहीं कराई जा रही है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने आगे कहा कि 2017-18 में नाली बनाई गई और नाली ठीक ठाक होने के बावजूद भी उस नाली को तोड़कर विभाग की मिलीभगत से पैसे की निकासी की जा रही है, जबकि नाली निर्माण हुए 5 वर्ष भी नहीं हुआ है। आखिर क्यों सरकार का पैसा बेवजह खर्च किया जा रहा है और विकास के जगह पंचायत में विनाश का कार्य किया जा रहा है? इसमें पंचायत के मुखिया को सोचना चाहिए कि ग्रामीणों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करें। इस संबंध में तरहसी वीडियो सत्यानंद महतो ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं विरोध करने वालों में समाज सेवी नरदेव यादव, नंदलाल साहू, सत्येंद्र सिंह, नागेश्वर सिंह सहित दर्जनाधिक ग्रामीण मौजूद थे। तरहसी से सुधाकर पांडे की रिपोर्ट। मतलब ऊपर ऊपर जाएगी पानी, ऊपर जाएगा, ले जाएगा, इधर धो के धाके तो रह देगा, मतलब पुल के भी ले जाता है? हाँ, ले जाएगा। इतना पानी आता? हाँ, इतना पानी ये करता है। कौन गांव है ये? भालोगाड़ी है। मुखिया यहाँ के कौन है? लक्ष्मी देवी है। और बनायक कौन है? कौन ठेकेदार है? जनर देव है और अथी वीरेंद्र है। इसी गाँव के हैं? इसी गाँव के हैं। क्या नाम है आपका? ये जो पुलिया जो निर्माण किया गया है यहाँ पे, क्या ये लगता है आपको कि बरसात के दिनों में पानी अच्छा से बहेगा या बच्चा लोग इधर से जाते हैं तो उनको परेशानी नहीं होगी? परेशानी हो जाएगा, चौड़ा वाला भाव रहता तो पार होता, पानी पार होगा, इस भाव में पानी नहीं पार होगा, पुल रहता तो पार हो जाता, पानी नहीं पार होगा इसमें। कौन है ठेकेदार यहाँ, कौन बनाए हैं? जनरल देव यादव है, वीरेंद्र सिंह। अच्छा, मुखिया जी कौन है? लक्ष्मी देवी। भर कमर आता है? भर कमर आता है, इसमें पानी पूरा अथी कर दे। क्या नाम? अच्छा, बताइए, सत्येंद्र सिंह। तो ये आपको क्या लगता है, कौन सा कोटा से बना हुआ है या कौन विभाग से बना हुआ है? हम तो उन लोग तो कब बोल रहा था कि नरेगा से बनल है, लेकिन पुल नहीं बनता यहाँ से। ठीक है, ऐसा का पुल बनेगा तो ठीक रहेगा ना, तो पुल तो तुरंत अगला बरसात में तोड़ देगा। कितना पानी यहाँ पार? भर कमर। तो ये लगता है कि मतलब सब रोड से फिर पार होने लगा? हाँ, रोड से ऊपर से चढ़ के पार। मैंने क्या? नंदलाल साहब। कौन गांव है? भालोगाड़ी। ये पुलिया जो निर्माण हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, क्या लगता है कि सुविधा आपको मिलेगी इससे? ये सुविधा नहीं मिलेगा, ये नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर पुल अच्छा बनता तो आप दिन को आने जाने का साधन होता। कौन विभाग से है? लेकिन हम तो मनरेगा से हैं। अच्छा, तो ये मतलब लगता है आपको कि हमको सुविधा नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। और बच्चा लोग इधर से आता जाता है, अभी स्कूल जाता है या कहीं? हाँ, जाता है। जब यहाँ पानी अगर जमा रहेगा तो बच्चे जाएंगे। यहाँ बगल में स्कूल है। कौन स्कूल है? हरजन टोला स्कूल है। सरकारी विद्यालय है? हाँ, ये सरकारी विद्यालय। तो बच्चा सारा इसी इधर से ही जाता है?